मानव विकास को मापने के लिए अनेक प्रकार के सूचक तैयार किए जाते हैं, लेकिन आज हम केवल मानव विकास सूचकांक के बारे में ही जानेंगे। इसे डॉक्टर महबूबुल हक ने प्रतिपादित किया था और 1990 में यूएनडीपी ने पहली बार अपनी रिपोर्ट के अंदर इसको प्रकाशित किया था। मानव विकास सूचकांक एक साधारण मिश्रित सूचक के रूप में मापा जाता है। विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संसाधनों तक पहुँच के क्षेत्र में की गई उन्नति के आधार पर उन्हें स्कोर प्रदान किया जाता है। यह स्कोर 0 से 1 के बीच तक होता है। इसमें जब हम स्वास्थ्य सूचक लेते हैं तो यह देखते हैं कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, यानी एक बच्चे ने जन्म लिया है वह कितनी उम्र तक जिएगा। इसका अर्थ है कि लोगों को लंबा और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। जितना अधिक जीवन प्रत्याशा होगी उतना ही अधिक विकास का सूचकांक होगा। दूसरा सूचक शिक्षा। यहाँ शिक्षा का अभिप्राय प्रौढ़ साक्षरता दर तथा सकल नामांकन अनुपात से है, यानी बड़ी उम्र के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं उनका अनुपात, और छोटी उम्र के बच्चे जिनका स्कूल के अंदर नाम दर्ज है यानी एनरोलमेंट के अंदर उनका नाम है। तो इससे पता चलता है कि पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या अधिक होने से सूचकांक में वृद्धि होती है। तीसरा सूचक प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी संसाधनों तक पहुंच को जीडीपी के हिस्से से देखा जाता है कि किसी देश की जीडीपी कितनी है और उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो प्रति व्यक्ति के हिस्से कितना उत्पादन है, कितनी प्रति व्यक्ति आय है, इसको मापा जाता है। जितनी अधिक प्रति व्यक्ति आय होगी मानव विकास का जो स्कोर है वो उतना ही अधिक होगा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच तीनों आयामों को 1/3 मानकर इनका एक स्कोर तैयार किया जाता है। स्कोर 1 के जितना नज़दीक होगा मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में की गई उन्नति को दर्शाता है, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इनमें जितनी अधिक उन्नति है यह मानव विकास के द्वारा देख सकते हैं इस सूचकांक में। यह प्रदर्शित करता है कि प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है, फिर भी मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है क्योंकि यह वितरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं देता। यानी जीडीपी हो सकता है किसी देश की बहुत अधिक हो और जनसंख्या के हिसाब से जब हम अनुपात निकालते हैं तो प्रति व्यक्ति आय भी अधिक निकल सकती है, लेकिन लोगों के पास कितना पैसा है, अंदर देश के क्या स्थिति है, इसकी जानकारी यह नहीं देता। तो इसके लिए एक और सूचकांक होता है मानव गरीबी सूचकांक। यह भी मानव विकास सूचकांक से संबंधित है और मानव विकास में कमियों को मापता है, जैसे कि 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता या प्रौढ़ निरक्षरता दर, स्वच्छ जल तक पहुंच न होना और कुपोषण वाले छोटे बच्चों की संख्या, ये सब हम मानव गरीबी सूचकांक के अंदर देख सकते हैं। तो यदि हमें मानव विकास का सही आंकलन करना है तो हमें मानव विकास सूचकांक HDI और मानव गरीबी सूचकांक दोनों को मिलाकर देखना होगा। भूटान एक अद्वितीय देश है। भूटान ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को आधिकारिक रूप में देश की उन्नति के माप में घोषित किया है, यानी भूटान के अंदर HDI को वे महत्व नहीं देते। भूटान ने माना है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यानी हम यह देखें कि हमारे देश के लोग खुश कितने हैं या आध्यात्मिक कितने हैं। तो इससे हमें विकास का एक और पहलू पता चलता है कि आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों को भी हम देखें।